अरे विघ्नेश भाई। भाई, ये देख भाई क्या बार बार बोल रही है, कुक कुक कर रही है। ओके दोस्तों, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। ये प्रॉब्लम कब आता है, जब हम बच्चों के हाथ में, ज़्यादातर ये प्रॉब्लम कब आता है कि जब हम बच्चों के हाथ में मोबाइल देते हैं, वो क्या करते हैं, जो वॉल्यूम के अप डाउन जो बटन रहते हैं वो साथ में प्रेस करते हैं। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों को आ रहा है। तो इसका मैं आपको एक आसान सा तरीका बता देता हूँ। पहले आपको दो फिंगर से स्वाइप करना है, उसके बाद आपका जो पैटर्न है वो डाल दो, मोबाइल अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाओगे तो सेटिंग में आपको नीचे एक ऑप्शन दिखेगा, शॉर्टकट्स एंड एसेसिबिलिटी। उसमें जाके आपको नीचे एसेसिबिलिटी दिखेगा। उसमें जाने के बाद ये टॉप बैग में जाना है। टॉप बैग में जाने के बाद ये यूज टॉप बैग जो ऑप्शन ऑन है ना, वो ऑफ कर देना है आपको। ये स्टॉप, स्टॉप होने के बाद जो प्रॉब्लम आ रहा है वो अभी नहीं आएगा। ये देखो, सिंगल फिंगर से भी ये टच हो रहा है। और ये दूसरा मतलब कि आपको बाद में भी प्रॉब्लम नहीं देना चाहिए इसकी। और इसके लिए एक सॉल्यूशन है, ये टॉप बैक जो शॉर्टकट्स ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, वो भी ऑफ कर दो। इसके कारण आपको आगे भी ये इशू नहीं आएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए। और आपके किसी फ्रेंड को ये प्रॉब्लम आ रहा होगा तो उसके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। और आपको मतलब कि और कुछ प्रॉब्लम आ रहा है वो कमेंट में ज़रूर बता देना, क्योंकि मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।